ज्यादा वजन हो गया कह रहा है हड्डी स्ट्रांग है ना इसलिए सलमान सर सबको जो नाते जानते हैं बाकी सबको कोई नहीं पसंद था। मैंने सबको अपनी क्रिकेट वाली वीडियो दिखाई भंगड़े की स्केटिंग की साइकिलिंग की। सर ने कहा तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। मैंने कहा सर इतना हो तो सलमान खान सर जगनबीर को सरप्राइज करने के लिए वो इसके बेड के बगल में आके खड़े हो गए। ये अपना दर्द भूल के कीमो का एक्साइटमेंट में कहते हैं आप सलमान खान हो। वो कहते हैं हाँ। कहते हैं विश्वास कैसे करूं मैं देख ही नहीं सकता। कहते आपने अपना ब्रेसलेट पहना है जो ब्लू कलर का पहनते हो। उन्होंने वो भी इसको टच करा के एहसास कराया कि मैंने पहना हुआ है। फिर सर कहते हैं अब तो खुश हो तुम्हारी तमन्ना पूरी होगी। कहते नहीं सर। सलमान सर के घर पे गया था तो उनके बाहर सिक्योरिटी उस दिन कम थी। तो जैसे ही मुझे टाटा हॉस्पिटल की गाड़ी छोड़ने आई थी शालिनी मैम और शालिनी मैम के फ्रेंड या उनके ड्राइवर थे वो हमको छोड़ने आए थे वहाँ पे। तो मैंने इसलिए सर मैम ने हमको अंदर छोड़ा और सलमान सर ने उधर से मम्मा को इशारा कर दिया था कि कुछ बोलना नहीं है मैं देखता जाता हूँ कि इन्हें अब ये मुझे देख सकता है कि नहीं। फिर मैंने शशिकाल कहा सर को मत्था देखा। फिर सर ने मेरे हाथ जैसे अभी मेरी दादी मारे पाया हुआ है सेम वैसे ही सर मुझे लेके गए अपने गार्डन में। उन्होंने पूछा ऊपर जाना पसंद करोगे नीचे। मैंने कहा सर जहाँ आपकी मर्जी। फिर उन्होंने कहा कि नीचे बैठ जाते मैं ऊपर बैठ के बहुत बोर हो रहा हूँ। मैंने कहा ओके सर। फिर मैं नीचे बैठा मैंने सर को अपनी क्रिकेट वाली वीडियो दिखाई भंगड़े की स्केटिंग की साइकिलिंग की। सर ने कहा तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। मैंने कहा सर इतना हो तो अपनी कोई पिक्चर में ले लो। सर ने कहा पिक्चर में तो ले लेता हूँ तुमको मैंने वो एक वादा किया था याद है। मैंने कहा सर कौन सा। उन्होंने कहा ब्रेसलेट वाला। मैंने कहा सर अभी मुझे ब्रेसलेट नहीं चाहिए अभी आप मेरे हैंकी पे साइन कर दो। तो ये वाला हैंकी जो पे साइन किया था क्या लिखा था उसके चलो इससे सर ने लिखा है टू जगनवीर सिंह विद लॉट्स ऑफ लव गॉड ब्लेस यू Stay strong, eat well, study hard and dance. Love Salman. होती थी जब मैं पीठ के जब इंजेक्शन लगता था तब मेरे को बहुत दर्द था। बाकी यहाँ वाले में जो ऐसे नॉर्मल रोते हैं वैसा होता था। पीठ वाले में बहुत दर्द होता था कीमो में उतना नहीं होता था। तो कह रहे मम्मा कह रहे थे बच्चों को भी आप खाते थे कि हाँ भी है तेरे मतलब ये हेलीकॉप्टर है वो कैसे आपको याद है। वो मैंने पहले मैं कार्टून देखता था छोटा भीम जैसा होता है पहले मैं शौक से देखता था। ओके तो उसमें जो उनसे वो नहीं होते थे क्या कहते जिनसे भी वो खाते थे मेडिसिन मैं उनको कहता था कि मेडिसिन नहीं है ये समझ लो एनर्जी वाली टैबलेट है अगर आप इसको खाओगे आप देखना फ्लाई करने लग जाओगे। वो ना मेरी बात को सच मान लेते हैं क्योंकि मैं भी एक बच्चा हूँ। मैंने कहा था देखो मैं एक दिन रात को उड़ गया था तुमको पता है। उन्होंने कहा कैसे। फिर मैंने कहा ये लो खा के देखो। उन्होंने अपनी टैबलेट ली उन्होंने कहा नहीं उड़ रहे हम तो। उसने कहा मैंने कहा कि मैंने आप लोग फिर डरते हो डरते क्यों हो फिर आप इंजेक्शन से। फिर उन्होंने इंजेक्शन ऐसे करते करते पूरी कीमो निकाल दी। मैंने उनके पहले बाइसेप्स टच किए फिर ब्रेसलेट देखा और मैंने उस टाइम पूछा कि मैंने आप अपने डोले लेके भी आए हो कि घर पे छोड़ आए हो। फैन कैसे बने कोई मूवी वगैरह देखते थे पहली कौन सी मूवी देखी थी या कोई गाना सुना था सलमान खान का। मैंने उनकी पहली मूवी देखी थी टाइगर वाली और साथ में मैंने उनकी वो भी मैं उनका बिग बॉस देखता था साथ। मैंने उनकी वन उनकी सर उनकी टाइगर जिंदा वन में क्योंकि उन्होंने वुल्फ से फाइट की थी बस उसके कारण वो फैन हुआ था। उस टाइम मुझे एक्शन बहुत पसंद था अभी भी है। अब बचपन में मिलते थे अब दोबारा कब मिलने जा रहे थे सलमान खान। अभी
1 दिसंबर हम मिलने गए थे फिर मार्केट पे। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, ट्रीटमेंट से डरो मत, बस इसको आपने ये नहीं समझ रहे कि मैंने हमको दर्द हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने जब बंदा दर्द होता है सोचते हैं दर्द हो रहा है तो होएगा, नहीं सोचोगे दर्द नहीं हो रहा तो नहीं होएगा। सर, ये सबसे पहली बात तो सलमान खान सर जी का बड़प्पन है कि उन्होंने अपने वर्ड्स को निभाते हुए दोबारा जगनवीर सिंह को अपने पास मिलने के लिए बुलाया। सर, बेसिकली जगनवीर सिंह बहुत बड़े फैन थे हैं सलमान खान सर के, और जब इनकी आंखों की रोशनी बिल्कुल ठीक थी 2018, तब वो 3.5 साल के थे, तो ये सर की पिक्चर टाइगर जिंदा है कई बार देखते थे बैठ के। वो बोलते थे जग्गू इतनी बार क्या एक ही मूवी को देखते रहता है, तो ही यूज टू से कि मैंने सलमान सर मिलना है, तो मैं बोलती थी जगू वो बॉम्बे रहते, इट्स नॉट पॉसिबल टू गो देयर एंड मीट देम। तो ये कहता था आप देख लेना, मैं एक ना एक दिन जरूर उनसे मिलकर रहूंगा। फिर सडनली डायग्नोज हुआ, जगन की विजन चले गई, एक दिन ऑफ हो गई, सडनली डायग्नोज हुआ कि जगनवीर को कैंसर है, तो हम इसको मुंबई ले गए कैसे एग्जैक्ट 3.5 साल के। सर खत्म सर हम फतेहगढ़ साहब गुरुद्वारे मत्था टेकने गए थे, और जैसे ही मत्था टेक के उठा है तो इसकी विजन लॉस हो चुकी थी। तो कई लोग मुझे ये भी कहते हैं कि गुरु घर पे गए हो, परमात्मा के घर गए हो, और इतनी बड़ी आपके साथ त्रासदी हो गई, तो मैं और हमारा परिवार उसको भी ब्लेसिंग समझते हैं कि शायद बहुत देर हो जाती है अगर हम और उसको समझ ना पाते कि ये क्या टेस्ट है। हर चीज़ को पॉजिटिविटी में लेना चाहिए कि परमात्मा ने इतनी बड़ी चीज़ अचानक की कि इसकी विजन लॉस हो गई, तो हम समझे कि बहुत बड़ा कारण है अंदर जो ये फेस कर रहे हैं। तब हमें पता लगा कि इसको बर्किट लिम्फोमा है, वो भी 4th स्टेज में है। तो हमें सबने सजेस्ट किया कि हम इसे मुंबई ले जाएं इलाज के लिए, कि वहाँ पे बेस्ट है कैंसर का इलाज टाटा हॉस्पिटल में। तो वहाँ इसका जाना हुआ, वहाँ पे इम्पैक्ट फाउंडेशन वाले हैं सब हैं, तो वो लोग बच्चों के वो रिलीव करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए बहुत कुछ करते हैं एक्टिविटीज़। तो उन्होंने जगनवीर से पूछा कि तुम भाई सरदार जी इतने स्वीट से हो, पंजाब से आए हो, यहाँ क्या करने आए हो? तो इसने ये कहने की जगह के इलाज कराने आए, ही उसके से मैं सलमान खान सर जी से मिलने आया हूँ। तो वो एक तरह का मजाक ही बन गया वहाँ पे कि चलो भाई सलमान खान का फैन आया पंजाब से मिलने चलते सलमान खान का। तो पूरे वार्ड वाले और सारे डॉक्टर्स इसको मिलने आते थे। फिर एक दिन उनमें से किसी ने रिकॉर्डिंग करके सलमान खान सर को ये रिकॉर्डिंग भेजी किसी के थ्रू, और सलमान खान सर जैसे अपन जानते हैं कि बहुत काइंड हार्टेड है, तो वो एक दिन अचानक ही जगनवीर को सरप्राइज करने के लिए, इसकी पहली कीमो चल रही थी और जगनवीर को सरप्राइज करने के लिए वो इसके बेड के बगल में आके खड़े हो गए और इसको हाथ पे कहते हैं सरदार जी वाकई बहुत क्यूट हो, जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा। तो ये कहता है आप कौन? कहते जिससे मिलने तुम बॉम्बे आए हो। तो ये अपना दर्द भूल के कीमो का एक्साइटमेंट, कहते आप सलमान खान हो? वो कहते हैं हाँ। कहते विश्वास कैसे करूं, मैं देख ही नहीं सकता। तो वो कहते जो तुम बोलो मैं करके दिखाने को तैयार हूँ। तो ये कहते हैं अपने बाइसेप स्ट्रेच करा दो। इन्होंने फिर बाइसेप उसमें टच किए, तो बाइसेप टेस्ट किए तो कहते सारे लेके आए हो, क्योंकि छोटा बच्चा था कि थोड़े से घर छोड़ आए हो। सर कहते सारे लेके आया। कहते आपने अपना ब्रेसलेट पहना है जो ब्लू कलर का पहनते हो? उन्होंने वो भी इसको टच करा के एहसास कराया कि मैंने पहना हुआ है। फिर सर कहते अब तो खुश हो, तुम्हारी तमन्ना पूरी हो गई? कहते नहीं सर, तमन्ना देखने की, तमन्ना देखने की थी जो अधूरी रह गई, मिलने की तो तुम देखने की थी। बहुत भावुक पल था, सर भी भावुक हो गए उस समय। सर ने कहा जगनवीर ये मेरी जुबान है कि जिस दिन तेरी आंखों की रोशनी वापस आएगी तो मुझे अपने पास पाएगा। कितने सर पूरे 7 महीने और 5 दिन चले, जिस बीच में इसकी 9 कीमोज हुई हैं, 4 रेडिएशन हुए हैं, और सबका बड़ा सहयोग रहा, भले वो दादर गुरुद्वारे वालों का हो, टाटा हॉस्पिटल का हो, गुरुद्वारे और जो सत्संग करते हैं सब कोई करते हैं, मतलब कि सब सब फाउंडेशन सबका बहुत सहयोग रहा इस बच्चे को ठीक करने के लिए, कईयों की दुआएं काम आई हैं। अक्सर सही परमात्मा की तरफ से ही कहते हैं कुछ ना कुछ गॉड गिफ्ट होता है। तो जो लीडरशिप नाम की क्वालिटी है वो जगनवीर सिंह के अंदर स्टार्टिंग से है, फ्रॉम द बर्थ। तो ये अक्सर बल्कि डरने की जगह वहां पे जो बच्चे डर जाते थे उनको मोटिवेट करने का काम जगनवीर सिंह करता था कि सर जैसे कोई बच्चा रो रहा है कि मेरे को दर्द हो रहा है या ये है, तो इसने ना जो IV लगती थी तो इसने उस बच्चे का नाम, उसका नाम रखा, तो बच्चे बोलते थे इंजेक्शन नहीं लग रहा है, ये हेलीकॉप्टर लग रहा है।
और जो हेलीकॉप्टर लग गया था, जब कीमो स्टार्ट होती थी, बोलते आपके हेलीकॉप्टर के थ्रू आपके पास पेट्रोल जा रहा है, ये पेट्रोल जाएगा आप उड़ने लग जाओगे। मतलब कि बच्चे तो ख्याली दुनिया में रहते हैं, इमेजिनेशन वाली दुनिया में रहते हैं। तो ये बकायदा उनको एंटरटेन करता था, ये गाने गाता था, कीमो चल रही होती थी साथ में, सब कुछ चल रहा था, साथ में डांस करता था सर बाकी लोग को एंटरटेन करने के लिए। तो मैंने एक दिन उसको कहा, मैंने कहा जगन तू क्या करता है, किसी दिन गलती से खराब हो गई कीमो। तो कहते मम्मा सामने के बेड वाले बच्चे ना रो रहा था, तो मैं उसको उसका दिल बहलाने के लिए डांस करके दिखा रहा था कि लगवा ले कीमो, कोई दर्द नहीं होता, देख मेरे को भी नहीं हो रहा। तो स्टार्टिंग से बहुत बोल रहा है और परमात्मा को बहुत मानता था, वाकई उस परमात्मा ने ही इसका बेड़ा पार किया। सर साइंस के हिसाब से तो इसका विजन नहीं है, मगर आप सब भी देखेंगे, भले से कोई एक्टिविटी कराइए, पढ़ाई करनी, कोई कलर्स देखने, साइकिलिंग करनी, स्केटिंग करनी, क्रिकेट खेलना, ये हर फील्ड में आ गए। आज भी यहाँ तक ये नॉर्मल स्कूल में जाते हैं, आज इसका स्कूल है इंडस वर्ल्ड स्कूल, आज ये स्कूल में गया है, आज इनके स्पोर्ट्स डे था, ये बाकायदा वहाँ से 2 गोल्ड मेडल जीत के आया है। ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ नॉर्मल जी रहा है। डॉक्टर्स इसका तो मैंने एल वी प्रसाद हैदराबाद से इसका सर्टिफिकेट बन के आया हुआ, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, जिसमें इसको 99% डिसेबल बताया गया कि इसको दिखता नहीं है, इसका कार्ड बना हुआ डिसेबिलिटी का। मगर मेरे हिसाब से प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, जहाँ साइंस खत्म होती है परमात्मा वहाँ शुरू होता है। और उसको जीता जाता प्रणाम आपके सामने जगन बीर सिंह बैठे हैं। पर अरदास है, अपने मैंने कर्मास है सर, ब्लेसिंग्स है, सब कुछ बहुत मायने रखता है। खुद कॉल की थी जैसे दोबारा वो क्या बुलाया था सलमान सर का कॉल टाटा वालों के थ्रू ही हुआ है, हमें टाटा के डायरेक्टर साहब डॉक्टर बनावली जी और शालिनी मैम वहाँ पे हैं, जो मतलब के सबको करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। तो उनका कॉल आया था कि 1 दिसंबर को शाम को 4 बजे सलमान सर ने इसको अपने बंगलों में बुलाया है। पहले हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, मगर जब उन्होंने बताया कि नहीं ये सच है, तो वो हम उनके बंगलों में फिर गए और उन्होंने एक बहुत होस्ट की तरह, एक बहुत अच्छे होस्ट की तरह हमारे को वेलकम किया। और उसके बाद काफ़ी टाइम इसका स्पेंड किया, इसकी वीडियोस देखी, सब किया। फिर कहते सरदार जी आप तो बड़े ही क्यूट हो, तो कहते सर आपको इतना क्यूट लगा तो आप मुझे अपनी मूवी में ले लीजिएगा, क्योंकि मजाक के क्षण चल रहे थे। कहते सर आपको मैं इतना क्यूट लगा तो अपनी अगली मूवी में ले लीजिएगा। तो कहते हैं क्यूट के साथ साथ सरदार जी बड़े स्मार्ट भी हैं। तो ऐसे क्षण थे हमारे लिए। सर मैं तो यही कहना चाहूंगी, जो नॉर्मल हम स्लोगन भी बोलते हैं, टीवी में भी सुनते हैं, टुगेदर वी विल एंड वी कैन मेक अ डिफरेंस। अब कैंसर उतनी बड़ी चीज रही नहीं है, आज ये घर घर में हो गई है, बस अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, किसी छिपाना नहीं है, इसका ट्रीटमेंट करना है। आज की डेट पे भी लोग इसे शर्म के तौर पे लेते हैं कि हाय किसी को पता लग जाएगा मेरे घर वाले को कैंसर हो गया है, मेरे बच्चे को कैंसर हो गया है, कोई क्या बोलेगा। यहाँ तक कि जगनवीर के बारे में भी मुझे कई रिश्तेदारों के फोन आए सर, जिन्होंने मुझे बकायदा कहा कि जो हो गया, दसन भी किसी ने लोड़ नहीं, मतलब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं क्या ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? कहते कल को बच्चे बड़े होंगे, शादियों में दिक्कत आएगी, इसमें आएगी। मैं क्या उतनी दूर की हम अगर परवाह करेंगे कल की, तो आज को कौन देखेगा? तो उस दिन से हम लोगों ने अपने मन में दृढ़ किया, मेरे ने और मेरे हस्बैंड ने, कि हम कैंसर की अवेयरनेस फैलाएंगे। और आज की डेट में भी मुझे टाटा के थ्रू, मुंबई हॉस्पिटल के थ्रू कई कॉल्स आते हैं, महीने में 3-4 कॉल्स आते हैं, जस्ट फॉर अ मोटिवेशन कि आपने क्या किया, आपका बच्चा कैसा है। हम सोचते हैं कि अगर एक का भी भला हो जाए तो हमारा किया सारा परवान है परमात्मा के दर।